हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। मैं पारुल सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम उपन्यासों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में, यूजीसी नेट के सिलेबस में गिवन है, और उन सभी उपन्यासों को हमें कवर अप करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो हमारा विशेष उपन्यास है या जिस उपन्यास को आज हम पढ़ने वाले हैं, वह उपन्यास हमारा कौन सा है, तो वह उपन्यास है आपका बंटी। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यहाँ पर एक ऐसे बालक की बात होती है जो जिसकी मनोस्थिति थोड़ी सी यहाँ पर क्या करें, लड़ाइयाँ या गृहस्थी में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसकी वजह से वह थोड़ा सा ये कहेंगे कि डिप्रेस जैसा हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर इस उपन्यास के विषय में। यह उपन्यास अगर हम आज के जीवन से भी जोड़कर चलें तो हमें आज की पृष्ठभूमि में भी इस उपन्यास का बहुत अधिक महत्व जो है वो देखने को मिलता है। उससे पहले जो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे मनु भंडारी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। मनु भंडारी के जन्म से यहाँ पर शुरू कर लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म स्थान क्या है, साथ में उन्होंने उनकी क्या क्या शिक्षाएं रही, यानी मनु भंडारी के जीवन परिचय से थोड़ी सी चीजों को हम जान लेंगे, उसके बाद हम उपन्यास को शुरू करेंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर मनु भंडारी के लिए, और मनु भंडारी के यहाँ पर जन्म तिथि 3 अप्रैल 1900, ये हम लोगों के लिए मनु भंडारी, यहाँ पर मनु भंडारी को मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये मनु भंडारी है, ठीक है। और बताया गया है इस उपन्यास में, हाँ, पेरेंट्स की लड़ाई के बीच में कैसे बच्चे जो है, यानी माता पिता के झगड़ों के बीच में कैसे बच्चे जो है वो पिस जाते हैं, और आज के समय में भी ये हमें बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि माता पिता भी आजकल भी ये चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं, किस प्रकार माता पिता जो हैं अपने झगड़े में बच्चों को साइड कर देते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं और केवल अपने झगड़े पर ही ध्यान देते हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं सभी लोग शेयर कर देंगे। चलो तो यहाँ पर बात करते हैं जन्म स्थान की। तो इनका जन्म जो हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, और साथ में इनके पिता का नाम सुख संपत राय था, माता का नाम अनुप कुमारी था, पति का नाम इनका राजेंद्र यादव था, इनकी एक पुत्री जिसका नाम क्या था, पुत्री का नाम इन्होंने रचना रखा है। क्लियर है यहाँ पर। चलो तो इनका जन्म कब हुआ, 3 अप्रैल को इनका जन्म हुआ है, और आज क्या है, आज है 3 अप्रैल। क्लियर है। तो मनु भंडारी का आज जन्म हुआ, आज ही के दिन हम मनु भंडारी के उपन्यास को पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मनु भंडारी को इसी उपलक्ष्य में जन्मदिन की शुभकामनाएं, यहाँ पर जयंती उनकी हम यहाँ पर मनाना चाहेंगे, तो उनके उपलक्ष्य में उनके आज के बेहतरीन से उपन्यास को आज हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर इनके उपन्यास, मनु भंडारी के उपन्यास, आपका बंटी उपन्यास को, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। चलो तो आपका बंटी उपन्यास जो है बाल मनोविज्ञान, किस पर, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर लिखा हुआ बहुचर्चित उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। माँ बाप के झगड़े के मध्य किस परिस्थितियों से एक बच्चे का बचपन बीतता है, एक बच्चे का बचपन गुजरता है, यहाँ पर इसके विषय में बात होगी। किस प्रकार एक बच्चा जो है वह परेशान रहता है जब माँ बाप के झगड़े होते हैं, और क्या उसकी मनोस्थिति हो जाती है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे आज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आगे मैं यहाँ पर बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर यह बच्चा जो है अपने माता पिता को अलग ना होने की कामना से गुजरता है। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली स्थिति कभी कभी एकहरी नहीं होती है, इसके पीछे साथ अनेक कई सारी विरोधी प्रेरणाएं भी सक्रिय होती हैं। उपन्यास में कलकत्ता के पास बांकुरा जगह का भी जिक्र हुआ है, बांकुरा जगह का यहाँ पर क्या हुआ है, जिक्र हुआ है। इसके साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, जिंदगी में जितनी सारी परिस्थितियां होती हैं उन सभी परिस्थितियों का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है, लड़ाई झगड़े के पीछे क्या क्या परिस्थितियां होती हैं सभी परिस्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं उपन्यास के पात्रों के विषय में, थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा अगर हम करें तो उपन्यास के पात्र यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो उपन्यासों के पात्र में सबसे मुख्य पात्र जो है, मुख्य पात्र है यहाँ पर बंटी। सबसे मुख्य पात्र कौन दिखेगा आपको, बंटी दिखेगा, मुख्य बाल पात्र, जो एक माता पिता के होने के बावजूद भी अनाथों की भांति अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, और एक यहाँ पर शंकुन जो की बंटी की माँ है और कॉलेज की प्रिंसिपल भी है, आधुनिक और स्वतंत्र विचार वाली स्त्री है। अजय यहाँ पर बंटी के पिता हैं,
आगे यहाँ पर और भी किरदार आपको देखने को मिलेंगे, एक वकील भी यहाँ पर मिलेंगे, वकील चाचा, जो कि शकुन और अजय का क्या है, शकुन और अजय का वकील है। प्राय बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उसके द्वारा भेजे गए खिलौने भी जो हैं वकील चाचा लेकर आते हैं। तो वकील चाचा ने जो खिलौने बंटी के लिए, वकील चाचा जो खिलौने भेजते हैं उन खिलौनों को भी वकील चाचा जो है वो लेकर आते हैं बंटी के लिए। और बंटी के पापा जो बंटी के लिए सामान भेजते हैं, चाहे वो खिलौने हों, कुछ भी हों, ठीक है, वस्त्र हो, खिलौने हो, मिठाइयाँ हो, सारी चीज़ें जो भी उसके पापा के द्वारा भेजी जाती हैं, वकील चाचा ही बंटी तक उन चीज़ों को पहुंचाते हैं। यहाँ पर क्लियर है सभी को? बताएंगे सभी लोग यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 1970 ही है, कहीं पर गड़बड़ लग गया है, बिल्कुल 1970 ही है यहाँ पर। तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, एक सेकंड क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, इधर कर, चलिए जन्म तो सही लिखा हुआ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? मनु भंडारी का जन्म सही है, 1970 ईस्वी जो है वो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है किसका, यहाँ पर आपका बंटी उपन्यास का, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रकाशन लिखा गया यहाँ पर कहाँ पर, कौन सी स्लाइड्स में दिक्कत आ रही है एक बार मुझे बता दो। उन्नीस सौ सत्तर में इसको लिखा गया था, मैंने देख लिया, मैंने सही लिखा हुआ है, 1970 में इसको लिखा गया था, 1970 में जो है इसको लिखा गया था, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1970 में इसको लिखा गया था, ठीक है, 1970 में इसको लिखा गया था, ठीक है, 1970 में लिखा गया था यहाँ पर। बाकी का मैं वेरीफाई करके और आप लोगों को कल क्लियर करूंगी, ठीक है, इस उपन्यास के बारे में। बाकी का आगे बढ़ते हैं, वैसे जहां तक मुझे मेरे संज्ञान में है 1970 में इसको लिखा गया था और 69 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीजें जान ली, इसके पात्रों को जान लिया, वकील चाचा को जान लिया, आगे यहाँ पर बात करते हैं फूफी, ठीक है। बंटी को शर्म आ रही है, बंटी को शर्म नहीं आ रही है, बंटी जो है मनोस्थिति से, इसकी मनोस्थिति जो है वह थोड़ी सी जो है गंभीर हो गई है, क्योंकि माता पिता की लड़ाइयों के बीच में बच्चे अक्सर पिसते हैं और माता पिता की लड़ाइयों के बीच में जब बच्चों को डर लगने लगता है, ठीक है, और बच्चे जो हैं डर जाते हैं जो है, क्योंकि बच्चे डरने के बाद फिर छुपते ही हैं, और ये मैंने एकदम लाइव देखा है जहां हम रहते थे। मैं इस पूरी दास्ता को आप लोगों को सुनाऊंगी, इस बच्ची के बारे में भी यहाँ पर आपका बंटी उपन्यास। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फूफी जो कि शकुन की सेविका है और अजय से क्या करती है, अजय से घृणा करती है। बाकी का डॉक्टर जोशी है जिसके शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती है, शकुन क्या करती है जिससे तलाक के बाद विवाह करती है। अम्मी और ज्योत है जो कि डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं, ठीक है, डॉक्टर जोशी के बच्चे। अतिरिक्त पात्र में आप लोगों को मीरा मिलेंगी, माली मिलेगा, ठीक है, ये दो अतिरिक्त पात्र में आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, मैं भी क्लियर कर दूंगी, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, आप लोग थोड़ा सा इसको धैर्य रखें। अब बात करते हैं इस उपन्यास की, यहाँ पर क्या है इस उपन्यास में, क्या क्या, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर वर्णन है, ठीक, यहाँ पर चलो। तो आपका बंटी उपन्यास जो है वो एक पति पत्नी
मनु भंडारी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या, यहाँ पर समस्या से जूझता है और यहाँ पर उसकी मार्मिक दशा का जो है वो वर्णन कर रखा है। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने पति पत्नी के संबंधों के विच्छेद के बारे में, ठीक है, पति पत्नी के संबंधों के विच्छेद यानी कि अलग होना, पति पत्नी का अलग होना, और जब पति पत्नी अलग हो रहे हैं तो अलग होने पर उसे जूझेगा कौन, तो बंटी जूझेगा, और बंटी कौन है यहाँ पर, बच्चे। तो माता पिता की लड़ाइयों में कौन जूझ रहा है, माता पिता की लड़ाइयों में बच्चे जूझ रहे हैं। बंटी चाहता है कि उसके मम्मी पापा दोनों साथ रहें और एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है और दोनों का क्या हो जाता है, दोनों का तलाक हो जाता है। हालांकि प्रत्येक बच्चे की यही इच्छा होती है, और आजकल जो है ये माहौल जो मैं बताने वाली थी आपको, हमारे घर के जस्ट सामने जहाँ पर हम रहते हैं, जस्ट सामने ही बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति, यहाँ पर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति ही मैं कहूँगी दोनों को, क्योंकि दोनों ही पढ़े लिखे और दोनों ही इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, दोनों में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, इतनी ज़्यादा लड़ाइयों के साथ मारपीट भी, ये तो होना ही है, दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ कि उनका एक छोटा सा बालक था, छोटा सा बच्चा था, वो क्या होता था, बेड के नीचे छुप जाता था। जब भी उनमें लड़ाई होती थी तो अक्सर हम लोग उस बच्चे को निकालने की कोशिश भी करते थे, लेकिन क्या होता है ना, वो बच्चा हम हर बार तो नहीं जा सकते, जब भी लड़ाई या झगड़ा हो रहा है हम किसी बच्चे को कब तक बचाएंगे, ये तो पेरेंट्स के खुद के आपसी सामंजस्य होता है कि हमारा बच्चा छोटा है और हमें उसके सामने जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे समझदार भी कहूँगी और पढ़े लिखे भी लोग कहूँगी जो आज भी अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, आज भी उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारे झगड़े के जो प्रभाव है वो हमारे बच्चों पर क्या पड़ेगा, या इसका जो है नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चे पर क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों से दूर होकर केवल आपसी जो है, आपसी मतभेद जो है वो हमेशा बने रहते हैं। यही क्या हुआ, वह बच्चा इतना अंदर ही अंदर रह के, इतना अंदर ही अंदर रह के जो है, ठीक है, इतना अंदर ही अंदर रह के वह बच्चा क्या हो गया है, मतलब वह बच्चा जो है आप किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। वह बच्चा 7 से 8 साल का हो गया, 9 साल का, 10 साल का, और अब शायद 11 या 12 साल का होगा, बड़ा भी हो सकता है, मुझे, मैं तो काफी दिन से उस बच्चे से मिली नहीं हूँ। आज भी वो बच्चा इतना इंट्रोवर्ट हो गया है कि वह दूसरों से मिलना ही नहीं चाहता, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, इतना ज्यादा वह अपने आप में सहम गया है कि उसे कोई मतलब ही नहीं है, वह जो है अब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। तो क्या हुआ, इसका असर जो है माता पिता के जो लड़ाई झगड़े हैं उसका असर उस बच्चे पर पड़ा। यही असर यहाँ पर किस पर पड़ा है, बंटी पर पड़ा है। बंटी के पापा मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगते हैं। अब सोचो, जहाँ पर माँ को छोड़कर पिताजी जो है किसी दूसरी स्त्री के साथ रहने लग रहे हैं और माता पिता को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेती हैं, तो यहाँ पर यह प्रभाव जो है वह बच्चे पर कितना गहरा प्रभाव होगा, यह आप जो है वो समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर यह सब देखकर शकुन को भी लगता है कि मैं ही क्यों ऐसे उदास जीवन जीऊं जबकि वो मीरा के साथ खुश है। यानी औरत भी जो है वो यह सोच रही है कि मैं क्यों फिर ऐसे जीवन जीऊं। यह स्वाभाविक परिस्थिति होती है, जब आदमी जो है परेशान कर रहा है या पुरुष प्रताड़ित कर रहा है तो आज के समय में महिला भी यही सोचती है कि जब वह मुझे प्रताड़ित कर रहा है, वह अपने जीवन में खुश है, तो मुझे क्या मतलब है, मैं भी अपने जीवन में जो है खुश रहूंगी, मुझे भी कोई मतलब नहीं है। भाई अगर एक व्यक्ति को मतलब नहीं है, मान लीजिए पति को मतलब नहीं है, तो पत्नी तो मतलब रखे, बच्चा तो दोनों का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में कंफर्म कर दूंगी, रवि पाठक आप परेशान मत होइए, मुझे भी लग रहा है थोड़ा डेट जो है वो गड़बड़ हो गई है, मैं एकदम लास्ट में जो है वो कंफर्म कर दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सभी लोग जो है धैर्य रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, लास्ट में कंफर्म कर दिया जाएगा तारीख को, क्लियर। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जिसने शेयर नहीं किया है, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलो, इसलिए शकुन ने डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला लिया, जिसके 2 बच्चे हैं। तो जो अपने बच्चे को यहाँ पर, अब इस बात पर बंटी के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आप सोच ही सकते हैं। यहाँ पर शकुन को लगा कि यहाँ पर वो क्यों उदास रहे जबकि उसका पति जो है वो मीरा के साथ खुश है। अब यहाँ पर शकुन जो है वो डॉक्टर जोशी से विवाह करने के लिए सोच लेती है। अब उसके भी क्या है, 2 बच्चे हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर जो है वो पसंद नहीं आता है, और उसकी मम्मी का प्यार जो है अब कितने हिस्सों में बट जाएगा, अब 3 हिस्सों में बट जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे ये हो गए और 1 बच्चा कौन हो गया, बंटी हो गया। और यहाँ पर अब बंटी क्या हो जाएगा, जब भी कोई व्यक्ति नए रिश्ते में पड़ता है तो वह नए रिश्तों की तरफ ध्यान ज्यादा देता है, पुरानी चीजों को जो है, व्यक्ति का ह्यूमन नेचर है ये,
यह जो है मानवीय, क्या कहें इसको, व्यवहार इसको हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास चाहे पुरानी चीज़ें हैं, पुराने रिश्ते हैं, हम उनको छोड़ते हुए चलते हैं धीरे धीरे और नई चीज़ों को ग्रहण करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर बंटी की माँ का प्यार जो है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके कारण बंटी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब यहाँ पर उसे अपनी मम्मी चाहिए थी जो उसके साथ सोती थी, हमेशा वो अपनी मम्मी के गले में झूलता रहता था, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा था। तत्पश्चात वो अपने पापा को फोन करके कलकत्ता जाने की बात करता है, किंतु वहां भी वैसा माहौल नहीं मिलता है जैसा वो जीता था। सौतेली माँ को भी वह पूर्णतः अब नहीं अपना पाता है। भला कौन ऐसी परिस्थिति में सौतेली माँ को अपना पाएगा जो बंटी अपना पाता। तो बंटी की जो परिस्थिति है यहाँ पर बहुत ही, यहाँ पर क्या कहें, तो उसकी मनोस्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब इसको मैं कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो परेशान हो रहा है। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ बच्चों की सी हो गई थी, हॉस्टल में अकेली जिंदगी उसको बितानी पड़ी थी। उपन्यास में दोनों पक्ष अपने स्थान पर सही ही दिखाई देते हैं, लेकिन बंटी के माता पिता अपनी खुशी के लिए सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कोई भी नहीं सोचता है। और आज के वक्त में भी अगर डाइवोर्स होता है या तलाक होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे की खुशी को नहीं देखता है, उसे कोई मतलब नहीं है अपने बच्चे की खुशी से, क्या हमारा बच्चा जो है वो कहाँ खुश है। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं इसको व्यक्तिगत स्थिति से जोड़ूं, शायद आप भी कभी इस परिस्थितियों में पड़ेंगे, जब भी आपका वैवाहिक जीवन में आप भी पड़ेंगे तो वैवाहिक जीवन में ये परिस्थितियां आती ही हैं कि पत्नी और पति में दोनों में झगड़े होते ही हैं, ये स्वाभाविक है, झगड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हरदम जीवन में प्यार नहीं बना होता है। कभी कभी हम माता पिता पर, जब हमारी शादी नहीं होती है, हम अपने माता पिता पर भी गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम माता पिता से रिश्ता जो है वो तोड़ देते हैं। जहाँ पर हम गलती करते हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। कभी हमारे रिजल्ट में कम मार्क्स आने पर हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है माता पिता से रिश्ता खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें डांट दिया। ऐसा ही हमें शादी के बाद वैवाहिक जीवन में भी सोचना चाहिए कि कहीं पर अगर गलती हो रही है या लड़ाई हो रही है या झगड़ा हो रहा है तो एक व्यक्ति का झुकाव जो है वो होना ही चाहिए। अगर दो व्यक्ति लकड़ी की तरह खड़े रहेंगे तो वो तो जो है यहाँ पर पेड़ बन जाएंगे, लकड़ी की तरह मुर्दा जैसे हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर ये भी है, ठीक है, और ये भी है, कोई भी है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ये दो व्यक्ति हैं। अब जो दो व्यक्ति यहाँ पर मैंने बनाए, दोनों व्यक्ति आपस में सामंजस्य से नहीं चल रहे हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति का झुकाव इसकी तरफ तो होना चाहिए, जब मान लीजिए जब इसकी गलती है तो भाई एक जना झुक जाओ, एक व्यक्ति यहाँ पर झुक जाओ, मतलब समय समय पर दोनों लोगों को झुकते रहना चाहिए ताकि रिश्ता जो है वो आगे बढ़े। और बंटी जैसे बच्चे की स्थिति, जरूरी नहीं है कि उपन्यास में ही ऐसी स्थिति रही है, हम अपने सामाजिक जीवन में भी ऐसी स्थिति देखते हैं। उपन्यास हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि जब भी हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरें तो हमें हमेशा सही रास्ता जो है वो चुनना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन हमारे साथ खड़ी हुई है उसको हमसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ना कि सारी चीज़ें बिगाड़ने को मिले। तो बंटी की स्थिति कैसी हो जाती है, अनाथ जैसी दिखने लग जाती है, क्योंकि माता पिता भी नहीं है साथ में। भाई मम्मी इधर अकेली चली गई, पापा इधर चले गए, ठीक है, पापा ने दूसरी शादी कर ली, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, मम्मी पापा दोनों हो गए अलग। अब बच्चे को ना तो माता का प्यार मिल रहा है ना पिता का प्यार मिल रहा है, दोनों में से किसी का प्यार उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। और जब दोनों में से किसी का प्राप्त प्यार जो है प्राप्त नहीं होगा, तो प्यार प्राप्त ना होने की वजह से बंटी को कैसा एहसास होगा, उसे अनाथ वाली फीलिंग आएगी। और वही होता है कि बंटी को जो है अनाथों वाली फीलिंग जो है आने लगती है, ठीक है। दोनों ही माता पिता जो हैं वो केवल और केवल अपनी खुशी के लिए यहाँ पर सोचते हैं। माता पिता का व्यवहार अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जब माता पिता जो है, जबकि माता पिता में एक स्वाभाविक सी भावना होती है त्याग की भावना, वह अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजों को त्यागते। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरी दुनिया भर में एक ही जैसे बच्चे या एक ही जैसे माता पिता होते हैं जो हरदम लड़ते ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर भी करते हैं। तो माता पिता का यहाँ पर स्वभाव जो है वो कैसा दिखेगा, स्वार्थी स्वभाव दिखेगा। माता पिता जो है एक दूसरे की गलतियों को भुलाना नहीं चाहते, यानी कि उन दोनों में अपने रिश्ते को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की त्याग की भावना नहीं है। और यहाँ पर जो उपन्यास है वह क्या दिखाना चाह रहा है, उपन्यास जो है वो एक टूटते हुए रिश्ते को दिखाना चाह रहा है, और जो टूटता हुआ रिश्ता है उसके क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पर दिखा रहा है।
और बुरे परिणामों की वजह से यहाँ पर एक बच्चे के मन की जो स्थिति है उसकी उस स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह उपन्यास वह बताना चाह रहा है। हालांकि मनु भंडारी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मनु भंडारी के बहुत सारे उपन्यास मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं। मनु भंडारी के यहाँ पर मैंने काफ़ी उपन्यासों को पढ़ा और सबसे प्रसिद्ध सबसे बेहतरीन उपन्यास आज के ज़माने से अगर आज के समय से या आज की सामाजिक स्थिति से जोड़ें तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन उपन्यास है यहाँ पर आपका बंटी। ठीक है मैम, लड़की लोग लड़ाकू होते हैं, वो मैनेज नहीं करती हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, कभी कभी हमें देखो जो है, मैं तो दोनों के लिए कहती हूँ, मैं दोनों के लिए यही बात कहूंगी कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, दोनों को ही क्या करना चाहिए, आपसे सामंजस्य में जुड़े रहना चाहिए। अगर गलती एक की है तो दूसरी को भी थोड़ा सा झुक जाओ, चलो ठीक है, लेकिन बाद में जो है आपस में मिलकर बांट कर जो है परिस्थितियों को थोड़ा सा जो है सुलझा लेना चाहिए, वह जरूरी होता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, परिस्थितियों को सुलझाए बिना ही उन पर जो है हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और हमें तुरंत एक्शन जो है वो नहीं लेना चाहिए। यही सबसे मैं ये कहूँ कि सबसे खराब आदत एक रिश्ते को चलाने के लिए यही होती है। चलो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा आपको जो है वो समझाएगा ये उपन्यास, तो जहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है चलो ठीक, तो उपन्यास में यहाँ पर जो है जब आप पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे, ठीक है, मैं पापा की मैम, मैं मैम पापा की परी है। अच्छा मैम पापा की परी है हर लड़की पापा की परी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको इस वाक्यांश को थोड़ा सा जो है हम नेगेटिव ले जाते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पापा की परी होती हैं, लेकिन ये बात सच है। एक बेटी का प्यार जो है वो माँ से बेहद होता है, और बेटी का प्यार जो है वो बाप से बहुत ज़्यादा होता है, पिता से बहुत ज़्यादा होता है लगाव बजाय माँ के, और बेटे जो होते हैं उनका लगाव जो है वो माँ से ज़्यादा होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और हाँ मैं तो इस बात को एक्सेप्ट भी करती हूँ, सुकून जे जी सी जी, कि बिल्कुल हैं लड़कियां जो होती हैं वो माँ पापा की परी होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि हाँ थोड़ी सी चीज़ें अगर आप इसको एक्टिवा या कार या इन सब ड्राइविंग से सीखने की चलाने के संदर्भ में देखेंगे तो इस बात के लिए मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार देखो लड़कियां जब भी गाड़ी चलाना सीखती हैं तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन की या फिर एमए की, उसके बाद उनको गाड़ी उनके हाथ में थमाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो एक साल में या दो साल में उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए चलाने के लिए सोचती हैं। लेकिन वहीं हम एक लड़के के संदर्भ में बात करें तो लड़का जो है वो बचपन से ही जैसे ही वो थोड़ा सा संभलता है, जैसे ही वो 13, 14 या 15 साल का होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो लड़के को ही गाड़ी की चाबी हाथ में देकर बोलते हैं कि जा ये सामान लिया, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाती हैं क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब वहीं पर क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पिछली चीज़ों से हमें जो है कंपैरिजन करना चाहिए। एकदम लड़कियों को ऐसे नहीं बोल देना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे वो लगता है। हालांकि आप बोलेंगे कि मैम आप भी लड़की हो इसलिए आप बोल रहे हो, नहीं ये इस परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है, मैं लड़कियों का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की समानता की यहाँ पर बात कर रही हूँ। खैर यहाँ पर आगे इस उपन्यास में क्या बात होती है, तो उपन्यास के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। उपन्यास को अगर आप पढ़ेंगे, पूरे उपन्यास को यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे उपन्यास में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग जो है वो किया गया है, और इस सरल भाषा को जब भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर आपको समझ में आएगी। भाषा जो है पात्रों के अनुरूप ही प्रयोग की गई है, जितनी भी भाषा यहाँ पर प्रयोग की गई है, जो भी भाषा शैली यहाँ पर प्रयोग की गई है, पात्रों को समझने में आपको बहुत ही आसानी यहाँ पर मिलेगी। समझ में आया, और यहाँ पर भाषा में ही यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें मनोविश्लेषणवाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, मानसिकता यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी, किस प्रकार यहाँ पर मानसिकता कैसी है, और साथ में यहाँ पर जो है हमें मनोवैज्ञानिकता भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और किस प्रकार जो है वैज्ञानिकता के आधार पर मनोविश्लेषण भी यहां पर जो है वो दिखाई देता है इस उपन्यास के अंतर्गत। साथ में इसमें इस उपन्यास में जो भाषा प्रयोग की गई है, इसकी भाषा की बात करें तो इसमें तत्सम शब्दों के भाषा भी तत्सम शब्दों का भी इसकी भाषा शैली में जो है प्रयोग किया गया है। देखो यहां पर समझो,
देखो उपन्यास में संवाद संक्षिप्त और सरल दिखते हैं, भाषा पात्रों के अनुरूप है, उपन्यास की भाषा अंग्रेजी संस्कृत के तत्सम शब्द तद्भव उर्दू अरबी फारसी सृजनात्मक इसमें प्रयोग किया गया है और मनोवैज्ञानिकता इसमें देखने को मिलती है और मनोविश्लेषणात्मक यहाँ पर जो है दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर सभी को। चलो तो इस उपन्यास के विषय में अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ तो यह उपन्यास जो है नए विचार लेकर आता है जीवन में, नई चीजें सिखा रहा है, आज के जीवन से जुड़ा हुआ यहाँ पर उपन्यास है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस प्रकार आज के समाज में जो नए संबंध बन रहे हैं उनकी डोर कितनी हल्की है यह बताने का भी यह प्रयास कर रहा है कि जो दो व्यक्तियों के बीच में जो डोर बंधी हुई है वह डोर कितनी कमजोर है जो कि टूट जाती है, और यहाँ पर उस संबंध को बताने का यह उपन्यास जो है वो प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं इसके पूरे सारांश के विषय में, इसका संपूर्ण सारांश भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पर इस उपन्यास में नई बात, नए विचार, नई भाषा और नया भावबोध के साथ हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास ये माना गया है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सबसे और यहाँ पर बेगुना बंटी की इस त्रासदी को जो है अधिक भोगता है, जो कि बेगुना बंटी जो है यहाँ पर जो टूट रहा है, जो संबंध टूटते हुए संबंध को जो है, जो भी टूटता हुआ संबंध है और इसका जो बुरे परिणाम यहाँ पर हम कहेंगे उसको कौन झेल रहा है, उसको बेचारा बंटी यहाँ पर झेल रहा है। ठीक है, बंटी के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर बात करते हैं इस उपन्यास में। ठीक है, यह एक कहानी आत्मकथा अंश इसका अंतर संबंध है और इस उपन्यास में बात करें तो बंटी जो है वो 9 साल का बच्चा होता है और वो 9 साल के बच्चे के लिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ वो 9 साल का बच्चा सभी चीजों को सभी परिस्थितियों को जो है वो यहाँ पर देख रहा है कि किस प्रकार जो है वो संबंध यहाँ से उसके माता और पिताजी का जो है वो संबंध यहाँ पर टूट रहा है। तो संतान के विषय में तो माता पिता सोचते नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास किया है कि माता पिता यहाँ पर जो है वो लड़ रहे हैं और माता पिता के लड़ने पर बच्चे जो है वह कैसे भयभीत होते हुए दिखते हैं, बच्चे जो हैं भयभीत हो भी जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, आज भी इस समय भी मेरी दीदी की बेटी है और कभी भी जब हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे पर चिल्लाते हैं तो वह ऐसे डर जाती है, उसके बाद वह खुद ही आकर हमसे बोलती है डांटो नहीं। मतलब उसका एक ही शब्द है, जब भी एक दूसरे पर कोई चिल्लाता है या डांटता है तो वह सिंपल एक ही शब्द बोलती है कि डांटो नहीं, डांटना नहीं है, और वह खुद पे खुद रोने लगती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसके सामने नहीं डांटना है, नहीं लड़ना है, कुछ भी बात नहीं बोलनी जिसके उससे उसके मन पर प्रभाव पड़े। तो ये कोशिश आप भी कीजिए, जरूरी है जीवन में ये कोशिशें रखना। ठीक, यहाँ पर इस उपन्यास के विषय में, यह तो एक धर्मयुग मासिक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हो रहा था, लेखन में यहाँ पर गति लाना भी इसमें जरूरी था। इसके बाद यहाँ पर बात करें प्रत्यक्ष लेखक का अपने परिवार और टिंकू से दूर रहना पड़ा था। इधर उपन्यास के अंश पढ़कर पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी, कई स्त्रियों ने बंटी के प्रति करुणा सहानुभूति प्रकट की थी, प्रकट की थी। लेखिका का उद्देश्य था कि जैसे पाठक बंटी को देखते हैं वैसे ही शंकुन की ओर बिल्कुल तटस्थ होकर क्यों नहीं देखते थे, शंकुन यानी कि बंटी की माँ क्यों नहीं सोचते थे पाठक वर्तमान में समाज का एक अंग है, यानी कि यहाँ पर जो स्त्री है उसके विषय में भी थोड़ा सा जो है सोचना चाहिए था, लेकिन समाज का परंपरा रूप में सोच रहा है स्त्री अस्मिता और उसका सामाजिक स्थान, उसकी पीड़ा, उसकी दृष्टि नहीं है। लेखिका की इच्छा उसके अपेक्षा सच्चे अर्थों में उपेक्षित रह गई और मनु भंडारी का यह जो उपन्यास है यहाँ पर जो शंकुन अजय और उनके बंटी की जो कहानी है यहाँ पर लेखिका इसको स्वयं जो है वो लिख रही है। ठीक है, बाकी का यहाँ पर हालांकि स्त्री दशा का थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए था मनु भंडारी को। राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, टिंकू उसी यात्रा से गुजर रहे हैं जिसका चित्रण उपन्यास में हुआ। वास्तव में लेखिका पारिवारिक स्तर पर माँ पत्नी की भूमिका निभाते हुए जो है वो लड़ रही है। आगे यहाँ पर दूसरी तरफ इसमें छिपा हुआ है कि साहित्यकार ऊपर आने के लिए सृजन के लिए तड़प रहा है, लेखिका को स्वीकार है कि वह अपनी बेटी टिंकू पर अन्याय कर रही है। उपन्यास की शंकुन एवं द्वंद्व मातृत्व और व्यक्तित्व के बीच का है और उनके जीवन का यथार्थ भी इसी उपन्यास में छिपा हुआ है। आगे यहाँ पर
लेखिका को एक बात खटकती है, अब लेखिका को बात क्या खटक रही है ये समझेंगे। लेखिका को बात खटकती है कि समाज अपना पारंगत परंपरागत दृष्टिकोण छोड़ना नहीं चाह रहा है। जैसे हर घर में एक बंटी होता है, वैसे ही सभी घरों में शकुन भी होती है। ये स्त्रियां अपने अस्मिता की रक्षा करना चाहती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, समझेंगे यहाँ पर सारी चीजों को। जी दिनेश पंडित जी, सिद्धि कुमारी, सकून, गोलू, माही, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर बात ये होती है इस उपन्यास के लिए, तो यहाँ पर बात तो हमने कर ली किसके लिए, बंटी के लिए, यानी कि एक बच्ची के जीवन के विषय में तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। लेकिन जिस परिस्थिति से यहाँ जो स्त्री गुजर रही है, यानी जो शंकुन यहाँ पर गुजर रही है, शंकुन जो यहाँ पर गुजर रही है जिस परिस्थिति से, उस परिस्थिति के विषय में भी हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए थी, यानी लेखिका को यहाँ पर बात करनी चाहिए थी। हो सकता है यहाँ पर आपसी सामंजस्य के बीच में भी यहाँ पर जो है कि आखिर किसकी गलती थी और क्यों लड़ाई हो रही थी और क्या कारण होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते में अगर दो व्यक्ति हैं, पति और पत्नी, ये दो मेंबर जो हैं वो बने हुए हैं, तो हमेशा गलती एक स्त्री की ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पत्नी की ही गलती हो, पति की गलती नहीं हो, दोनों की गलती हो सकती है। लेकिन स्त्री के ऊपर इस उपन्यास में जो है वो जोर नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो जोर दिया गया है वह किसके लिए जोर दिया गया है, सीधा बच्चे के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है, इस बात को आप समझेंगे। अंत में वे संतान के प्रति कठोर सी, अब यहाँ पर लेखिका ही बात हो रही है, ये जो सारी चर्चा हो रही है लेखिका किस प्रकार यहाँ पर उपन्यास लिख रही है, ये लेखिका के लिए चर्चा हो रही है कि वह संतान के प्रति कठोर सी लगती है, काश पाठकों की समीक्षा के लिए आलोक में बंटी और शकुन के साथ साथ आ जाती। लेखिका के मन की यह पीड़ा आत्मसम्मान और आत्मसंघर्ष उनके आत्म कथांश में व्यक्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर हो सकता था कि दोनों को पास ला देते, दोनों का जो है विवाह नहीं करवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्लियर है यहाँ पर सभी को, और यहाँ पर ये उपन्यास जो है इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है, बताएंगे सभी लोग। मैम सकुन जे जी सी को थैंक यू बोल दो, मैम आप अच्छा पढ़ाती हो, बहुत बहुत धन्यवाद सकुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है सेशन को, ठीक है, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है सभी लोग शेयर जरूर करेंगे सेशन को। क्लियर, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर मनु भंडारी को क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं, उन उपलब्धियों के विषय में। पहली उपलब्धि जो है, महाबोझ उपन्यास 1976 से लेकर 1980 के बीच में प्रकाशित हुआ, हिंदी का, हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति के लिए यहाँ पर राम कुमार भूपाल का 1100 रुपए का इनको नगद पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महाबोझ उपन्यास को 600 रुपए का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, उस समय बहुत होती थी ये धनराशि, बहुत अधिक। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 1980-81 में अहिंदी भाषी क्षेत्र की लेखिका के रूप में इनको सम्मान भी प्राप्त हुआ था, मनु भंडारी को। आगे बात करें, शिमला के ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा भारतीय बलराज साहनी स्मृति साहित्य प्रतियोगिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड पीपल्स अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया गया था। फिर भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा भी इनको सम्मान मिला, और भारतीय संस्कृति संसद कथा समारोह कलकत्ता द्वारा भी इनको जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे पुरस्कार जो है यहाँ पर मनु भंडारी को प्रदान किए गए हैं। इसके बाद बिहार राज्य ने भी इनको जो है सम्मान किया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने भी इनको जो है पुरस्कार प्रदान किया, और हिंदी अकादमी महाराष्ट्र द्वारा भी 2004 में इनको सम्मानित जो है किया गया है। मनु भंडारी के सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है कि इनको क्या क्या सम्मान जो है वो मिल चुका है, ये सभी बात हो रही है। अगला यहाँ पर हिंदी अकादमी दिल्ली शलाका सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है 2006 से 2007 में, ठीक है। चलो, और इसके बाद मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भवभूति में भी इनको जो है पुरस्कार जो है वो प्राप्त हो चुका है। क्लियर यहाँ पर सभी को, बताएंगे सभी लोग। तो ये सारे सम्मान जो है वो इनको प्राप्त हो चुके हैं यहाँ पर, और ये तो था हमारा आज का यहाँ पर सेशन। इसके अलावा जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे उस पॉइंट को भी एक बार जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो चलो, ठीक है।
चलो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो मुझसे रवि पाठक कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, इस उपन्यास का जो प्रकाशन है वह 1971 ही है, इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1971 ही है, आप इसको देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है 1971 ही है, वहां पर गलत मेंशन हो गया है या फिर मैंने ही कुछ और वर्ष जो है वो सोचकर वहां पर गलत मेंशन जो है वो कर दिया होगा, 1971 है, इसको सही कर लेंगे आप लोग, ठीक 1971 क्लियर है यहाँ पर सभी को, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर कर दिया है, और यहाँ पर हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक ली है और हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का, सही है, बहुत अच्छा है, पढ़ती रहिए, किताबें बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर बताएंगे सभी लोग, ठीक। तो सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे, और यहाँ से आप अड्डा 24/7 ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, आप जून 2023 के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो जून 2023 की प्रेपरेशन के लिए आपको आना होगा यहाँ पर यूजीसी वाले सेक्शन में, और जून 2023 के लिए यूजीसी का यहाँ पर आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं मेरा महापैक या मेगा पैक, हिंदी का महापैक या मेगा पैक में फायदा ये है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर सभी चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, चाहे यहाँ पर पेपर वन है, चाहे पेपर टू, तो आप लोगों का कंसर्न पेपर तो रहेगा ही रहेगा, और यह बैच यहाँ पर आप लोगों को इसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होंगी, और यह बैच 5,059 का पूरे एक साल के लिए है, क्लियर है यहाँ पर। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, और सभी लोग जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस बैच में एनरोल कर लेंगे, यहाँ पर जो कूपन कोड आपको यूज करना है वो कूपन कोड को आप ध्यान रखेंगे Y610, और कल हम मिलते हैं एक और बेहतरीन से उपन्यास के साथ। बाकी का अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, या कोई और अन्य उपन्यास भी आप लोगों को पढ़ना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम, पात्र जो है कंप्लीट नहीं हुए, चलो एक बार और देख लेंगे यहाँ पर आपका बंटी उपन्यास को, रवि पाठक जी परेशान मत हुई, बाकी के और डिटेल में पात्रों को जो है और पढ़ लेंगे, क्लियर। चलो तो मुलाकात करते हैं कल के सेशन में, थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर।